उधमपुर संसदीय लोकसभा सीट से आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ओर से जीएम सरूरी ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। उनके साथ पार्टी के प्रमुख एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कठुआ डीसी ऑफिस में उन्होंने अपना नामांकन भरा। गुलाम मोहम्मद यानी जीएम सरूरी पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में 4 बार विधायक रह चुके हैं। जीएम सरूरी इस समय डीपीएपी के उपाध्यक्ष भी हैं। उधमपुर सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। इसी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से चौधरी लाल सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में 10 साल के बाद कांग्रेस में वापसी की है और वह शायद कल अपना नामांकन भरेंगे। वहीं 2004 और 2009 में इसी सीट से वह सांसद भी चुने गए थे। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इस सीट पर मुकाबला कैसा रहता है। ये तो अल्लाह का फजल है कि जोश जज्बा तो लोगों में है। ये जोश जज्बा इसलिए है कि गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का पहला कैंडिडेट जो है वो आज कठुआ में नामिनेशन फॉर्म भरने जा रहा है। उन चीजों को देख के आज यहाँ का तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन सब जमा हुए हैं आजाद साहब का रिसेप्शन करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वोटों से भी हमें मालामाल करेंगे और आजाद साहब की पहली सीट जो होगी वो उधमपुर कठुआ और डोडा की जीत जाएंगे। इस बार मुकाबला थोड़ा टफ होने वाला है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। लाल सिंह हो कोई भी हो, लाल सिंह के साथ तो हमारा मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला डायरेक्ट बीजेंद्र के साथ। क्या दिख रहे हैं जनता में, कितनी दुआएं लेके आप साथ में आ रहे? देखिए आपको मालूम है कि हमने 20 साल से काम किया है। मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, एमओएस भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, तो हमने काम किया, लोगों को दिखाया। जिसने काम किया लोग वही देखेंगे। हमने डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेना है, हमने किसी भी मजहब के नाम पे वोट नहीं लेना है। लिहाजा हमारी अपील लोगों से है कि आप गुलाम नबी आजाद साहब की वो डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट को याद करें और उनके वो 2.5 साल चीफ मिनिस्टर के याद करें जिसमें उन्होंने यात्री भवन बनाया, हज हाउस बनाए, ट्यूलिप बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, रोडें बनाई, क्या नई डेस्टिनेशन टूरिज्म के बनाए। ये गुलाम नबी आजाद का चमत्कार है, वो हम चाहते हैं कि वो हिरासत का चीफ मिनिस्टर बने। और ये पहली सीट जिसका फार्म आज नॉमिनेशन फार्म भरने जा रहे हैं कठुआ में, उधमपुर कठुआ आपके समक्ष जो है 2 बार के सांसद चौधरी लाल सिंह और 2 बार के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लाल बड़ी चक्कर देखते हैं। देखिए लाल सिंह को तो हमने जिताया था, लाल सिंह खुद जीता नहीं था। आज भी मैं देखूंगा लाल सिंह कैसे जीतेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका तो कोई खाता ही नहीं है। वो पहले से हारा हुआ है जितेंद्र सिंह मोदी की, देखिए वो कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी तीसरी पार्टी में, कभी चौथी पार्टी में, उसका तो कोई कभी डोगरा समूह में, वो भी खत्म, ये भी खत्म, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न उधर के रहे, न इधर के। साई ओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप आनंद नगर बोहड़ी जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191-255-4360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।